हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टेड गैलरी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं कान्हा जी के लिए डबल लेयर नेट का लेयर लिया है मैंने इसमें, और डबल लेयर नेट के हम ड्रेस बनाने जा रहे हैं। और ये ड्रेस बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ठाकुर जी की ड्रेस बनाने के लिए आज मैं यहाँ पे डबल लेयर्स की ड्रेस बना रही हूँ। और इसमें मैंने नेट फैब्रिक लिया है जो मेरा मेन फैब्रिक है, और ये पिंक एंड ग्रीन कलर का मैंने फैब्रिक यूज किया है जो कि नेट में है। और इसके साथ में कोई भी बुकरम यूज नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे जो मैंने नेट फैब्रिक यूज कर रही हूँ, मैं इसको डबल करूंगी। डबल लेयर होने के साथ साथ ये इसमें डबल रहेगा, जैसे मैंने इसको यहाँ पे डबल किया हुआ है। और डबल करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है, ये जो इसकी चौड़ाई है वो है 28 इंच। और जो मेरे पास दूसरा नेट का फैब्रिक है, इसका डबल करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो है इसकी 21 इंच। और इसको मैं यहाँ पे कट करूंगी। और मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि जो मैं ठाकुर जी की ड्रेस बना रही हूँ, ये मैं 6-3 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। और इसकी जो मैंने लंबाई रखी है यहाँ पे, जो मेन हमारी टोटल लंबाई रहेगी वो रखी है मैंने यहाँ पे 6 इंच रखी है। और इसकी जो चौड़ाई है वो रखी है मैंने यहाँ पे 28 इंच। तो और जो यहाँ पे मैंने दूसरा फैब्रिक यूज किया है, इसकी चौड़ाई है 21 इंच। और इसकी जो लंबाई है वो रखी है मैंने यहाँ पे हाफ, इसका हाफ रखा है जो मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया है। और यहाँ पे ये इसका मैंने जो लंबाई रखी है वो रखी है मैंने 3 इंच। तो चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। हमने कटिंग कर ली है इन दोनों की अलग अलग। अब इसके बाद हमने सुई धागा लेना है, और सुई धागे से हम क्या करेंगे, इसको हमने आधा आधा इंच इस तरह से चुन्नटे बनानी है। और चुन्नटे हमने सुई धागे से अटैच करनी है। थोड़ा खुला खुला हमने इसमें वो रखना है, ज्यादा धागे को खींचना नहीं है। इस तरह से इनको हम चुन्नटे डालेंगे और इस तरह से थोड़ा खुला खुला इसको रखेंगे। और इस ड्रेस को हम खाली सुई धागे से ही तैयार करेंगे। धागे को हम कुछ इस तरह से डालेंगे, जैसे चुन्नटे ना होके ये पफ वाली जो चुन्नटे होती हैं, इस तरह की हमने इसमें चुन्नटों को लेना है। जो हमारा नेट फैब्रिक है इसको हम डबल रखेंगे, और इस तरह से हम इसमें पफ वाली जो चुन्नटे हैं, इस तरह से इसमें चुन्नटों को सेट करेंगे। इस तरह से हम सारे चुन्नटे डालेंगे। इनको हमने ज्यादा खींचना नहीं है, लेकिन इसको हम इस तरह से खींचेंगे कि जो हमारे चोली का माप है वो बिल्कुल सही आए, और यहाँ पे जो लेयर है वो बन जाए अच्छे से। ऐसे हमने इसमें धागा इसमें लगाया है, उसको हम इस तरह से धीरे धीरे इसको खींचेंगे। और जितनी हमें जरूरत है उस हिसाब से हम इनको सेट कर सकते हैं। इस तरह से हमें इनको खींचना है, ये देखिए इस तरह से हमें इनको खींच के तैयार करना है। और इसी तरह से हम सारा जो हमारे पास नेट का फैब्रिक है, जो हमारे नेट की जो हमने लंबाई ली है, उसी तरह से इसको सेट करेंगे। ये वाली जो ड्रेस हम बना रहे हैं कान्हा जी की, इस ड्रेस में हमें उन लोगों के लिए भी सही रहेगी जिनको मशीन चलाना नहीं आता है, इजीली उसको रेडी कर सकते हैं। इस तरह से हम चुन्नटों को इस तरह से थोड़े थोड़े करके खींचते जाएंगे और इनको सेट करते जाएंगे, और इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से आएगी। और जो दोनों लेयर्स हैं हमारी, दोनों लेयर्स को हम अलग अलग पहले इस तरह से सुई धागे से सेट करेंगे, उसके बाद उसमें हम किसी भी लेस का, जो जैसी हमारे घर पे होती है या फिर डेकोरेटिव ड्रेस के साथ हम यूज करना चाहते हैं तो उसको हम यूज कर सकते हैं। इसकी फ्रिल को तैयार कर लिया है। अब हमने जो कान्हा जी की ड्रेस का जो माप रखना है कमर का, क्योंकि कमर का माप ये ही आना है, और इसको हम रखेंगे 4 इंच। तो 4 इंच हम इसको माप लेंगे,
इस तरह से ये 3 इंच बैठ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा और खुला खुला सा कर लेंगे ताकि जो कमर का माप है वो एकदम फिनिश हो जाए और पूरा हमारा जो माप कम ठाकुर जी का वो बिल्कुल सही रहे। इस तरह से हम इसको 4 इंच का इसको माप को कर लेंगे। इसको हम पहले ही सेट करेंगे और इस और इसी तरह से जैसे हमने ये पार्ट तैयार किया है, दूसरी जो फ्रिल है उसको भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। इसी तरह से हमने जो डबल लेयर हमने कट की है जिसकी जो लंबाई है, इस तरह से जो लंबाई है इसकी 21 इंच और जो इसकी चौड़ाई है वो है 3 इंच, इसके बिल्कुल हाफ है। लेकिन लंबाई कितनी है, इससे 7 सेंटीमीटर थोड़ी सी कम है, 7 इंच कम है। और इसको भी हम सेम इसी तरह से फ्रिल इसकी तैयार करेंगे और फ्रिल के लिए हम ऐसे ही हमने सुई धागे का यूज करना है इसमें भी। हमने ड्रेस की जो दूसरी लेयर थी इसको भी इसी तरह से तैयार कर लिया है धागे के साथ में, इसको ऐसे चुन्नटें डाली हैं और अब हम दोनों को इस तरह से यहाँ पे सेट करेंगे। सेट करने के लिए यहाँ पे हम एक पाइपिंग पट्टी या फिर हमारे पास जो भी लेस वगैरह है उसको भी इजीली हम इसमें यूज कर सकते हैं या कोई भी चमकीला कपड़ा जिसको हम पाइपिंग पट्टी की तरह इसमें यूज कर सकते हैं। और इसको अब हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। इस तरह हमने दोनों लेयर्स को तैयार कर लिया है। अब हमारे पास जो ये लेयर्स बची है, अगर आपके पास ऑप्शन है ये, आप इस पे लेस लगा भी सकते हैं और इसी तरह से इस पे भी आप कोई भी डेकोरेटिव लेस यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लगाएंगे कान्हा जी की जो हम ड्रेस बना रहे हैं ये हम अलग बना रहे हैं, मतलब चोली को इसके साथ हम सेट नहीं करेंगे। तो इस पे जैसे हम अपने पेटीकोट्स वगैरह जो सलवार कनेफा वगैरह होता है तो इसी तरह से हम इसको सेट करेंगे यहाँ पे। और एक हम इसमें एक यहाँ हमने जैसे नेफा टाइप का होता है उसी तरह से यहाँ पे हमने डबल एक कपड़ा कट किया है और ये कपड़े की जो लंबाई है ये है 1.5 इंच और इसको हम इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ पे हम इस तरह से लगाएंगे। सुई धागे से ही इसको लगाएंगे, हम सुई धागे से ही इसको हम अटैच करेंगे इस तरह से। यहाँ पे जो हमने सिलाई लगाई है इसको हम इसके अंदर लेंगे, इसको हम बाहर सो नहीं करना है इसको। कान्हा जी के लिए मैंने जो ड्रेस का ये ऊपर वाला हिस्सा बनाया था इसमें मैंने इसमें पॉम्पम फ्लावर्स वाली नाड़ी का यूज किया है। और आप इसको कान्हा जी के कमर में अच्छे से इसको सेट कर सकते हैं, बांधने में भी आसानी रहेगी। और आप इस ड्रेस पे बाहर की तरफ डेकोरेटिव लेस भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन है, वरना ये ड्रेस सिंपल भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इस तरह हम कोई भी इसके मैचिंग या फिर इससे डेकोरेटिव लेस हम इस पे यूज करेंगे। हमारे बांके बिहारी जी की बहुत सुंदर सी ड्रेस बनके रेडी हो चुकी है। और अब जो पीछे वाले पार्ट हैं इन पे हम इजीली पिन अप करके या फिर कोई हुक वगैरह लगा के इसको हम इजीली इसको सेट कर सकते हैं। ये ड्रेस बनाना बहुत आसान है और हमारे ठाकुर जी इसमें बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।